कल रात को और आज पूरे दिन 3 बजे तक लगभग सभी प्रमुख विषयों के ऊपर चर्चा हो गई। कुछ इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशन भी हमने पास किए हैं और खास करके इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी 14 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी उनका स्ट्रक्चर हो गया है। बाद में कैंपेन कमेटी है, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया है, वर्किंग ग्रुप ऑफ मीडिया है और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च है। ये 4 प्रमुख कमेटी का भी गठन हुआ है और सभी अलायंस पार्टी के मेंबर्स उस कमेटी में इंक्लूड कर दिए हैं। 2 पॉलिटिकल रिजोल्यूशंस भी है, उस बारे में आपको आदित्य ठाकरे जी बताएंगे। और जिस तरह से ये इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ रही है, जैसे मैंने कल कहा कि 2024 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, और मैंने ये भी कहा गठबंधन की तरफ से अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इस प्रकार का एक मजबूत गठबंधन हमने बनाया है। लगभग सभी नेताओं ने इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया है, अपने विचार भी रख किए हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं। प्रमुख नेता आपसे डायलॉग करेंगे, उसके बाद आपके सवाल बहुत ही सिलेक्टेड सवाल के जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये आधा घंटे के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलेगी, आपको मैं बताना चाहता हूँ। कमिटी का पूरा जो ब्यौरा है या पूरी कमिटी है उसका लिस्ट आपको दी जाएगी, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन कमिटी है कोऑर्डिनेशन कमिटी 14 मेंबर, सिर्फ उसके नाम मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। श्री केसी वेणुगोपाल इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री शरद पवार जी एनसीपी, श्री टी आर बालू डीएमके, श्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्री संजय राउत शिवसेना, श्री तेजस्वी यादव आरजेडी, श्री अभिषेक बैनर्जी टीएमसी, श्री राघव चड्डा ऑलरेडी गिवन, ओके प्रिंट आउट ऑलरेडी गिवन, मुझे लगता है अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अभी यू आर नॉट रिसीव, तो ठीक है, तेजस्वी यादव आरजेडी, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी, राघव चड्डा आप, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी, लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड, डी राजा सीपीआई, ओमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी, सीपीआईएम का नाम आ जाएगा, लेकिन बाकी जो कमेटी के जो नाम है आपके पास आ जाएंगे। मैं अब आज के जो स्पीकर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि आप, सॉरी मैं नाम तो आपने दिया है, हाँ मैं इस आज के इंडिया बैठक के होस्ट, 2 दिन से जो आप देख रहे हो ये पूरा मीटिंग का लीडरशिप, पहले रेजोल्यूशन आप कर रहे हो, जो रेजोल्यूशन आज के बैठक में हुए है, जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, उस बारे में आदित्य ठाकरे जी आपको बताएंगे। नमस्ते, जय हिंद। आज इंडिया पार्टीज ने 3 रेजोल्यूशन पारित करे हुए हैं, उसको मैं पढ़ के दिखाता हूं। पहला रेजोल्यूशन यह है कि वी द इंडिया पार्टीज हियरबाय रिजॉल्व टू कंटेस्ट द फोर्थकमिंग लोकसभा इलेक्शंस टुगेदर एज फार एज पॉसिबल। सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स विल बी इनिशिएटेड इमीडिएटली एंड कंक्लूडेड एट द अर्लीएस्ट इन अ कोलैबोरेटिव स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक। दूसरा रेजोल्यूशन ये है, वी द इंडिया पार्टीज
hereby resolve to organize public rallies at the earliest in different parts of the country on issues of public concern and importance. Aur teesra resolution ye hai, we, the India parties, hereby resolve to coordinate our respective communications and media strategies and campaigns on the theme of Judega Bharat, Jitega India in different languages. Thank you. Jai Hind. मैं इस इंडिया मीट के होस्ट शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी से विनंती करूंगा कि आप ओपनिंग रिमार्क्स शुरुआत करें। इंडियाच्या तिसऱ्या मीटिंगसाठी देशभरातून आलेल्या सर्व मातब्बर आणि मान्यवर नेत्यांचं मी स्वागत करतो और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है, और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई, और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे, और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जितने भी जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी, पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाए हैं, क्या होगा, आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू, तो ये जो डर है सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भयमुक्त भारत, भयमुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। और मुझे पक्का विश्वास है आप सभी तो साथ में हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, आपके माध्यम से बहुत सारी खबरें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहां कहां कैसे अत्याचार हो रहा है और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही। एलपीजी गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता जरूर किया, लेकिन 2014 में उसकी जो कीमत थी उसके बाद आज तक कितनी कीमत, कितना दाम बढ़ाया गया था, वो लोगों के समझ में आ गई ये बात। गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता किया, लेकिन बीच में 1000 रुपया महंगा किया, मतलब 5 साल लूट और इलेक्शन के वक्त सूट छूट, तो ये सारी नीति अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैस सिलेंडर सस्ता किया लेकिन उसके ऊपर पकाएंगे क्या, दाल महंगी होती जा रही है, चावल ये वो सब रसोई की चीजें वो महंगी होती जा रही है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इस विषय पर हम सारे एकमत होकर लड़ेंगे, और जो हमने नारा दिया है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, वो इंडिया और भारत को हम जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ हम लोगों की नहीं, आप सभी की और देश के हर नागरिक की है, और सबको इस लड़ाई जीतने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अब कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे सबके नेता
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को विनती करूंगा कि आप अपनी बात सामने रखें। मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया के दोस्तों, सारे नाम लेने के वजह से यही बेहतर होगा कि जो कोई इस स्टेज पे बैठे हैं सभी को मैं नमस्ते करते हुए अपना चार शब्द आपके सामने रखूंगा। आज की ये जो बैठक हुई ये बहुत ही ठीक ढंग से सभी पार्टियों ने मिलके चलाया। इसका उद्देश्य क्या था ये तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा है और हम इसकी कोशिश बहुत दिन से कर रहे हैं। जब मैं बेंगलोर में था उस वक्त भी जो वहाँ पर मीटिंग हो गई थी, इससे पहले पटना में हो गई थी, उसके पहले तैयारी के लिए हमने मेरे घर पर भी राहुल साहब और नीतीश साहब, तेजस्वी और हमारे पवार साहब सभी मिलके एक बार बात किए, उसका एक ढांचा बना। उसके बाद जो नीतीश साहब के पटना में पहला मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में एक एजेंडा तय करने की बात हो गई और उसके बाद में बेंगलुरु का हुआ, अब यहाँ पर मुंबई में आज सभी लोग मिलके अपनी बात को रखे और खास करके सभी को एक ही, सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें, इसके लिए कैसा लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े। और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, और खास करके मोदी जी हमेशा 100 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम करते हैं। अब पेट्रोल की, एलपीजी की जो दाम थी वो मोर आर लेस डबल हो गई, लेकिन उन्होंने उसमें से सिर्फ 200 रुपए कम किया, यानी 700 बाकी रहा। यानी पहला जो 55 रुपए में एक सिलेंडर मिलता था उसको उन्होंने अभी भी 70 रुपए में ही रख, 70-75 में रखा, यानी कोई कम नहीं हुआ। पहले जो था उससे ज्यादा बढ़ाए थे, उसको थोड़ा कम कर, लेकिन इससे लाखों रुपए उन्होंने कमाया। ये तो गरीबों से चोरी कर दिए और गरीबों के जो काटे, और लोगों को दिखाने के लिए 100-200 रुपए कम करना और कहना कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूँ, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं, और यहाँ पर तो कल ही एक रिपोर्ट आपके सामने राहुल गांधी जी ने रखा था, अडानी की संपत्ति बढ़ गई कैसी, बढ़ाए कौन, और कैसा आज कम से कम 75,000 करोड़ रुपए गरीबों के जो पैसे थे उनके जेब में कैसा गया,
ये सारी चीजें उन्होंने बताया। तो ये जो है इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो बड़े बड़े सरमाएदार है और उनको जो पैसा जा रहा है हमारा गरीब का, तो उसको रोकने के लिए इंडिया जीतना जरूरी है और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंच पे सभी लोग बैठे हैं। तो इसीलिए हम एक जो तय किए हैं, जो रेजोल्यूशन भी हम आप देखे हैं, और उसी ढंग से उस रेजोल्यूशन पे काम करेंगे, हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे और जो ये मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं, और चाहे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, हर एक ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भी मोर आर लेस शरद पवार जी साहब के बाद मेरा नंबर लगता है, मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 52 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा का मेंबर हूँ। मैं ऐसा नहीं देखा, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर किया नहीं ऐसा, लेकिन आज मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बना बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब आप चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए है, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह, इसमें डीनोटिफिकेशन, हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया, अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, और ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी वो मीडिया उनके साथ है, वो एक उनके दिमाग में है, प्रेस मीडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीजें मेरे पास है, ये उनका कहना है, और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है, माफ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझ के, आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। तो जो कुछ है वस्तु स्थिति, आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के, ये सारी चीजें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए, उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके जो कुछ भी ये करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है, और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है। आगे भी हमारी कहाँ मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं, जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी, और बाकी के जो विषय हम आपके सामने रखे हैं मुद्दे, उनके ऊपर हम लड़ते रहेंगे। वो डराने की कोशिश करते हैं, हम डरेंगे नहीं, ये हमारा वायदा है, और हम हमेशा लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। और आज मुंबई में जो हमारे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो ये स्टेप लेकर हमको बुलाए हैं, उद्धव जी लीड लिए हैं, और बाकी कांग्रेस पार्टी
और एनसीपी सभी ने मिलके ये जो एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा और बहुत यशस्वी हुआ, इसलिए मैं उन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आगे की और भी मीटिंग्स हैं, वो डेट टाइम सभी बताएंगे और कहाँ कहाँ मीटिंग हमारी होगी, वो से 5-6 जगह पब्लिक मीटिंग होगी, वो भी हम आपको बताएंगे और काम करते रहेंगे और मजबूती के साथ काम करते रहेंगे। इसको ढीला करने की कोशिश मोदी जी कितना भी कोशिश करे, हम वो डरने वाले नहीं है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने तो हमेशा मोदी जी झूठ बोलते ही रहते हैं, लेकिन लोग उनको सच समझते हैं। लेकिन अभी भी मराठी में एक कहावत है, खोटा बोला पण रेटून बोला, तो ऐसा उनका है। इसीलिए सब झूठ बोलते जाते हैं, लोगों में भ्रम डालते हैं, तो वो सब को हमको एक्सपोज करना है, हम करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू खड़गे साहब। डेफिनेटली इंडिया जीतेगी, लेकिन ये जीत की शुरुआत हो गई है पटना से, पटना की भूमि से, और हम सबको एक साथ लाने की सबसे पहली जिम्मेदारी ली थी नीतीश कुमार जी, लालू जी, आप सभी ने। मैं अब नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय, आपसे विनती करता हूं, आप आपकी बात रखिए, वहां ही माइक है, आप वहां से बात कर सकते हैं, आप कर ली। तो आप सब लोगों को मालूम है कि आज तीसरी मीटिंग हुई है, इसके पहले दो मीटिंग हो चुकी है और सबके बारे में आपसे चर्चा की जा चुकी है और बहुत अच्छे ढंग से कल से ही बातचीत हुई और आज मीटिंग हो गई और पहले आपको चीज़ों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीज़ों के बारे में तय हो गया है और अब नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है, कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है, आइए कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है, और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा, और ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है, और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। आज जो जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती है, तो ये ना हो गया, इसलिए पता ही है। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे, और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी नहीं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के नहीं जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग
अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था तो, लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो, तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं, और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा है। और आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कृपा करके जब हम लोग अब एकजुट हो गए हैं तो हम लोगों के काम का भी थोड़ा आप लिखते रहिएगा, थोड़ा प्रचार करते रहिएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद है।